हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आया हूँ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आज 13वीं किस्त के बारे में बात करेंगे, कब पोर्टल पर चढ़ेगी और इसको देखने के लिए डेट, यानी जो डेट है वो किस तारीख को आपको यहाँ पे मिलने वाली है और किन किन किसान भाइयों को जो है वो पैसा यहाँ पे मिलेगा, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं यहां पे डालता रहता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इससे सबसे पहले आपको क्या, तो आपको क्रोम ब्राउजर, जो भी ब्राउजर है आपको अपना ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है 13वीं किस्त कब आएगी। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम पहले गूगल से पूछते हैं, इस योजना की तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। अब तक की टाइमलाइन अनुसार देखें तो इसके इस योजना की 12वीं किस्त का पैसा जो है वो किसानों को मिल चुका है। अब अगली किस्त यानी 13वीं किस्त 1 दिसंबर 2022 से 31 मार्च के बीच कभी भी आपके अकाउंट में आ सकती है। किसान भाइयों, 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में कभी भी आपके अकाउंट में आ सकती है, मगर यहाँ पे हमारे लिए जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुआ कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे आएगी। तो चलो हम उसको भी क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपको कैसे मिलेगा। तो हमारे लिए यहाँ से बैक जाना है और जाने के बाद में हम फिर अपना वन फैक्ट्री स्टेट चेक करेंगे और चेक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे कि क्या इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है और अभी आपको पता चल जाएगा कि जो 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपको यहाँ पर कब मिलेगा। तो हमने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है, मोबाइल नंबर और कैप्चा भी फिल कर दिया है। गेट डाटा के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपको कब कब मिला हुआ है। तो हम पहले जनवरी की बात करते हैं, मतलब जो जनवरी में जो किस्त आती है यानी दिसंबर और जनवरी के बीच में जो इंस्टॉलमेंट आती है उसको हम यहाँ पे सर्वे करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/1/2022 को जो है वो पहली किस्त यहाँ पर रिलीज हुई थी, यानी चौथी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको यहाँ पर मिला था। उसके बाद में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आई थी वो भी देखते हैं, यानी जो अभी पिछले साल यानी जो 21 है, 21 में कब जो है इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिला था, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, जो 22 में इंस्टॉलमेंट आई थी तो आप वो भी देख सकते हैं, 2/1/2022 को इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको यहाँ पे मिला था। अभी हम बात करते हैं, फिर दिसंबर या और जनवरी आ चुकी है तो अब इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर के माह में तो ये किस्त का पैसा आपके अकाउंट में आ नहीं सकता, ये आपको जनवरी के मंथ में ही आपको पैसा आएगा, क्योंकि मैंने आपको 2 लाइव के साथ में दिखाया है कि 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है वो आपको 2/1/2022 को मिला है। तो 22 में तो आपको जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी जो 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। अब जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपको 23 में मिलेगा, भले ही 1/1/2023 को मिल जाए या फिर 1/2/2023 को पैसा मिल जाए। एक सर्वे के अनुसार आपको जो पैसा है 2022 में तो अब जो 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, अभी नेक्स्ट मंथ में ही यानी जो नेक्स्ट साल आएगा उसमें ही आपको जो है इस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किन किन किसान भाइयों को पैसा मिलेगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 12,000 करोड़ किसान भाइयों को पैसा मिला था, मगर जो 12वीं इंस्टॉलमेंट आई है उसमें 8,000 करोड़ किसान भाइयों को ही मिला था, जिसमें से 4,000 करोड़ किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला था। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करा लीजिएगा। EKYC नहीं कराइए तो EKYC करा लीजिएगा। अगर सारा कुछ आप ओके कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो आने वाली इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा आपको यहाँ पर मिल सकेगा, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूं, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई भी परेशानी है और जो सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके यहां पर हेल्प करूंगा। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।